Ladies and gentlemen, it is my pleasure to have with us here on Pressing Matters, Mohammed Taha, the 16-year-old captain of Popo FC, जिन्होंने सारे पाकिस्तानी फुटबॉल दुनिया का जो है दिल जीत लिया रिसेंटली. ही प्लेज एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर द ग्रेट एंड यूथफुल क्लब. ताहा, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा सबको. वालेकुम अस्सलाम. और मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील वगैरह कर रहे हैं वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छा लगा है कि हमने मतलब कि मतलब मैं पोपर सी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उनका भी कैप्टन हूँ और मेरी 16 ईयर्स ओल्ड है और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से भी खेल चुका हूँ लास्ट ईयर सऊदी अरेबिया. तो मतलब कि क्वाइट अच्छी जर्नी रही है मेरी और अभी मतलब कि मतलब इनके साथ अभी काफ़ी अच्छा टाइम गुजर रहा है मेरा और इन शायद आगे भी गुजरता रहेगा. या सो जैसे कि आपने मेंशन किया 16 ईयर ओल्ड, अभी 16 साल सिर्फ हुए हैं दुनिया में और ऑलरेडी यू अचीव्ड क्वाइट अ लॉट एंड इंशाल्लाह दी ओनली वे इज़ अप. तो इस फुटबॉलिंग जर्नी का जो आपने भी रेफरेंस दिया है उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आपने फुटबॉलिंग जर्नी कब स्टार्ट की? व्हेन डिड यू फॉल इन लव विद फुटबॉल? आई स्टार्टेड फुटबॉल इन आई थिंक सो 2015. तो 2015 में मैंने पोपर से ज्वाइन की थी अकेडमी, जो अकेडमी होती है. तो मैंने उधर से मतलब कि स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना वगैरह. फिर हमारे कोच हैं हारिस बिन हारून, जो मतलब कि CEO भी है पोपर सी के. तो उनके पास मैं ट्रेनिंग करता रहा. तो फिर काफ़ी ज़्यादा कैंप्स आए जिसमें मैंने बहुत यंग एज में मतलब स्टार्ट कर दिया उनके पास मतलब ट्रेनिंग करना. फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंप्स आए वगैरह ये वगैरह ट्रेन किए वगैरह. 2017 में मैंने पोपर सी की तरफ से फर्स्ट टूर किया था दुबई का. उधर जाके हमने आई थिंक सो मतलब कि सबसे मतलब कि बिगेस्ट जो उधर की अकेडमी जो क्लब नसर हो गया दिल्ली हो गया उनके मतलब के अगेंस्ट हमने खेला वगैरह. उसके बाद मैंने 2017 में मैंने दो टूर्स किए थे पोपर सी से. उसके बाद 2019 में मैंने पाकिस्तान नेशनल टीम में अंडर 16 खेला, जिसका आई वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम. और वो काफ़ी अच्छा मतलब कि चेंज था मेरे मतलब कि वो टूर से मेरे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज आया. उस टूर के बाद मैंने आई वॉज अंडर ट्रायल एट केरल. अच्छा, तो केरल में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो मतलब कि 1 से 2 मंथ्स उनके पास रहा. तो मतलब उसके बाद अभी आई प्ले फोकस इन चैलेंज कप एज अ कैप्टन. तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सही सही सही, दैट्स ग्रेट. सो शुरू करते हैं जस्ट बाय आस्किंग यू के आपने 2015 में स्टार्ट किया अभी, और लाइक इट वुड बी सेफ टू से के इवन दो यू आर अ वेरी वेरी गुड प्लेयर एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, यू आर आल्सो डेवलपिंग बिकॉज यू आर स्टिल यंग. तो आपने भी पिछले 5 साल में कैसे डेवलप किया है, इधर इन टर्म्स ऑफ स्टाइल या फिर कोई आपके अंदर जो चेंजेस फुटबॉल के लिहाज से हैं, हाउ हैव यू डेवलप्ड? मतलब कि हमने जब स्टार्टिंग में मतलब कि ट्रेनिंग स्टार्ट की 2015 से ना, तो मेरे अंदर एज ए टेक्निकली बहुत ज़्यादा हमने काम किया. मतलब कि ना जितना भी हमने ट्रेनिंग सेशन किए वगैरह, हमने मतलब एक तो होता है फिजिकली फिटनेस, मतलब फिजिकली फिटनेस सही आपको मतलब एज के साथ आती रहती है वगैरह. लेकिन मतलब कि जितना टेक्निकली हमने काम किया विद बॉल, जितना ज़्यादा हम कर सकते थे हमने उतना ज़्यादा विद बॉल वगैरह मतलब किया है वगैरह. जिससे मतलब कि हमारी मतलब आपने देखा होगा स्टाइल ऑफ प्ले में काफ़ी फर्क है. मतलब कि डिफरेंट टीम्स मतलब कि बाकी टीम्स को देखा जाए तो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमने मतलब ट्रेनिंग ज़्यादा टेक्निकली की हुई है, विद बॉल ज़्यादा की हुई है, बॉल के साथ इंजॉयमेंट ज़्यादा की हुई है वगैरह. तो इससे मुझे मतलब कि काफ़ी कुछ ज़्यादा 2015 से और अभी तक मतलब डिवेलपिंग एज है मेरी, मैं अभी भी डिवेलप हो रहा हूँ लर्न कर रहा हूँ. तो अभी तक मेरा जो मेन फोकस है, हमारा अभी तक मेन फोकस है वो टेक्निकली है, क्योंकि यही डेवलपमेंट की मतलब कि एज है 19 तक ये एज रहेगी. उसके बाद फिर आप जो होते हो वही रहते हो, मतलब कि आपने इतना बड़ा चेंज नहीं आता. फिर तो आपकी आपने फिजिकल फिटनेस में भी काम कर सकते हो, तो उसके बाद आप अपनी काफ़ी चीज़ों पर कर सकते हो काम. लेकिन आपके साथ जो आपकी गेम होगी, जो टेक्निकली काम होगा, वो आपकी इसी एज में मतलब कि जो प्रॉपर होगा वो इसी एज में आप सही सीख सकते हो. तो अभी तक भी मैं जो कह रहा हूँ टेक्निकली काम, मतलब जितना भी हम अभी भी सीख रहे हो डेवलपमेंट की एज है, जितना कर रहे हो टेक्निकली काम कर रहे हो शुरू से अभी तक. लेकिन इंशाल्लाह आगे है प्लान वगैरह कि अभी स्टार्ट फिजिकली भी, क्योंकि अभी चाहिए, जरूरत है फिजिकली की भी, क्योंकि अगर आपने कम्पीट करना है अगेंस्ट डिपार्टमेंट तो
आपको फिजिकली भी थोड़ा फिट होना पड़ेगा। या तो एग्जैक्टली हम अभी मतलब कि काफी ज्यादा जिम ट्रेनिंग वगैरह दूसरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हो रही है अभी। सही 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 बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज आई थिंक कि यू आर राइट के जो आपके बेसिक्स होते हैं ना, टेक्निकली टेक्निकल जो बेसिक्स होते हैं इन पोजेशन ऑफ द बॉल, वो आपको एट अ यंग एज अगर सीखने को मिलते हैं तो फिर आप बाद में जाके यू कैन रिफाइन योर सेल्फ टैक्टिकली एंड फिजिकली, वो फिर बाद में बातें आती हैं। लेकिन अगर आपके शुरू में ही अगर आप इस एज पे पहुंच जाओ 22 23 और आपके बेसिक सेट नहीं हुए हुए टेक्निकली, तो फिर बहुत मुश्किल होता है फॉर एनी कोच टू चेंज दैट एट अ लेटर स्टेज। तो जस्ट वन लाइक वॉन्टेड टू आस्क, क्योंकि शुरू से आप इस लाइक डिफेंसिव मिडफील्ड आपने पोजिशन कब आपकी अपनी बनी, व्हेन डिड यू चूज इट योर सेल्फ, डू यू लाइक इट, व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट इट? मतलब कि स्टार्ट से मतलब कि ना मैं एज अ मिडफील्डर खेलता था, राइट लेफ्ट सेंटर, मतलब चेंजिंग चेंजेस काफी ज्यादा आती रहती है क्योंकि आपको कोचेज एडजस्ट करते वगैरह कि कौन सी में बेस्ट होगा। मतलब इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलता कि कौन सी पोजीशन आपकी बेस्ट होगी। तो मैंने राइट मिड भी खेला है, लेफ्ट मिड भी खेला है, लेकिन मतलब कि राइट लेफ्ट मिड के लिए आपको मतलब कि मेरे लिहाज से मतलब कि थोड़ा क्विक होना पड़ता है, मतलब आपकी मतलब कि थोड़ा क्विकनेस ज्यादा होनी चाहिए वगैरह। और मेरी मतलब कि मेरे से थोड़ी क्विकनेस में भी थोड़ी कम हो वगैरह, तो मुझे कोचेज ने काफी एडजस्ट किया वगैरह। एक दफा मेरी मेन पोजीशन सेंटर डीएम ना नेशनल टीम में बनी थी, सही जो मेरे कोच थे वगैरह उन्होंने मुझे ट्राई किया मिडफील्डर, तो मतलब कि मेरी चेंजेस वगैरह मतलब अच्छी थी वगैरह, हाइट अच्छी थी और डिफेंसिव वाइज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उस पर। तो उधर से मतलब काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर करके तो डिफेंसिव मिडफील्ड उन्होंने मतलब पहले से माइंडसेट था मेरा कि डिफेंसिव मिडफील्ड मतलब खेलना है वगैरह, क्लब की तरफ से खेलता भी था, लेकिन मतलब ये रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी राइट मिड भी खेल लिया, कभी लेफ्ट मिड भी खेल लिया वो मतलब। लेकिन आफ्टर नेशनल टीम मतलब कि एक परमानेंट पोजीशन होती है कि एक माइंडसेट बना लिया, हाँ आप ओनली बस डिफेंसिव मिडफील्ड और उसके अलावा कुछ नहीं। सही तो सही अभी सही मतलब कि अभी बिल्कुल है कि बस डिफेंसिव मिड। सही और यू मेंशन कि आप KRL से के साथ भी आपने जाके ट्रेनिंग की, कैसे आपके डेवलपमेंट में उसने आपको हेल्प किया, जी ट्रेनिंग विद सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, जैसे कि इफ्तिखार अली खान, आलमगीर, रजब, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स जो उधर होते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करके आपने क्या सीखा और आपको आपको क्या लगा अपने बारे में कि लाइक इज़ दिस द स्टैंडर्ड दैट यू वॉन्ट टू रीच फॉर योर सेल्फ? मतलब आफ्टर नेशनल टीम जब मैं जो केरल के लिए बुलाया गया वगैरह, तो मैंने जब ट्रेनिंग करना स्टार्ट की ना, तो जब मेरे फर्स्ट टू ट्रेनिंग सेशन थे मतलब मुझे काफी अच्छा लगा वगैरह, प्लेयर्स वगैरह काफी टेक्निकली, जो केरल आपका वाहिद डिपार्ट है जो पाकिस्तान में जो टेक्निकली साउंड मतलब आपके उनके पास टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं, मतलब कि उमेर भाई हो गए, आलमगीर हो गया, इफ्तिखार हो गया, मुर्जा भाई हो गए, मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकली साउंड तो है। जब आप गए थे तब तो मुर्तजा भाई थे, मुर्तजा भाई मतलब तो अभी कि रिसेंटली आए हैं ना? मुर्जा भाई उस टाइम नहीं थे, लेकिन उस टाइम थे आलमगीर था, जैद हो गया, आलमगीर भी मेरा मतलब मेरे साथ, आलमगीर और मैं बेसिकली साथ ही गए थे, जैद ओके ओके हो ओके गया, उमेर भाई हो गए, अजया हो गया, इस तरह मतलब ये लोग हो गए। तो काफी ज्यादा उनके साथ मतलब कि सीखने को मिला, उनके साथ ट्रेनिंग सेशन किए, कोचेज अच्छे थे उनके वगैरह, मैचेस वगैरह अच्छे हुए वगैरह। लेकिन मतलब कि मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा मुझे हेल्प सर शहजाद ने किया है बेसिकली ना, सर शहजाद अनवर ने जो पाकिस्तान के मेरे वाहिद प्रो कोच है, कोचर, तो उन्होंने मेरे उस पे बहुत ज्यादा ना आफ्टर केरल के बाद भी उन्होंने स्पेशल मुझे ट्रेनिंग सेशन वगैरह जो मतलब वो करा सकते थे, उन्होंने मेरे मतलब की गेम में बहुत ज्यादा हेल्प किया। और मेरी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मतलब की काफी चीजें मतलब मेरा माइंडसेट, मेरा मतलब के मेच्योरिटी लेवल वगैरह, और एक के किस तरह एक प्रोफेशनल करियर मैंने अपने मतलब के फुटबॉल में आगे बनाने, मतलब एक मतलब लाइन मुझे बताई है कि हाँ ये चीजें इस तरह है, तो मतलब मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और मतलब कि मेरा क्लब भी मुझे यही बताता है कि मतलब हमारे क्लब का भी मेन फोकस यही है कि आगे कैसे फुटबॉल फुटबॉलर का प्रोफेशनल क्लियर बनाना है, कि मतलब कि बाहर भी अगर आपने किसी प्रोफेशनल लीग भी खेलनी है या अगर आप पाकिस्तान के लिए भी खेलना है तो लॉन्ग टाइम कैसे आप सर्व कर सकते हो कि आपने अपने मतलब फ्यूचर आपका सेव हो। और उनका मेन यही है कि डेवलपमेंट में, कि आपने देखा होगा कि हमारी चैलेंज कप में भी मतलब जो एवरेज एज थी वो 17.5 थी, या मतलब ये सब तो कहते हैं नहीं अंडर है 20, लेकिन एक दो बॉयज थे वो भी मेरा वो चेंज पेसेस जिसकी वजह से मतलब उन्होंने कह दिया कि अंडर 20, सारे जो एवरेज एज थी प्लेइंग थी वो 17.5 थी, तो मतलब सारे अंडर 19 के आते हैं, अंडर 23 के आते हैं। तो उनका बस यही है कि फ्यूचर पे फोकस, मतलब पाकिस्तान को अगर है तो आगे यूथ पे,
सारा काम यूथ पे, यूथ यूथ के पे बगैर कुछ है नहीं है अगर हम बिल्कुल। पे फोकस होगा वगैरह। हाँ यूथ पे नहीं होगा, अगर हम पे फोकस होगा तो आगे यही बॉयज अंडर 19 के लिए मतलब बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकेंगे, अंडर 23 के लिए कर सकेंगे, हम A-B-C-19 के लिए कर सकेंगे। तो मतलब कि कोचेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मैं स्पेशली मतलब शरारत को बहुत ज्यादा मतलब कि अपना और हारिस भाई को बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा। केरल में भी था लेकिन केरल में इतना टाइम नहीं था, सही प्लेयर्स के साथ खेल के एक्सपीरियंस मिला था बट इतना टाइम नहीं था उनके साथ वगैरह। और लेकिन जो मेन मैं मतलब कहना चाहूंगा वो अपने कोचेस का, जो मतलब शुरू से जो मेरे साथ थे। सही सही सही। और पाकिस्तान टीम अंडर 16 की आपने बात की, आपने बात की कि मुझे उसने काफ़ी एक्सपीरियंस ने चेंज किया जब आप जाके उनके साथ खेले और आपने वो एक्सपीरियंस किया, तो क्या आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या चेंज आपके अंदर आया? ए वॉज इट बेस्ड ऑन योर गेम, ऑफ द फील्ड भी, किधर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आया उसके अंदर, आपने क्या सीखा? जब आपका नेशनल टीम का टूर लगता है ना तो आप में काफी ज्यादा चेंजेस आती है ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी। आपका डिसिप्लिन जो मतलब कि बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एक फुटबॉलर का लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, फुटबॉलर का आपको पता है कि क्या मतलब प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये तो ऑफ द फील्ड चीजें थी। ऑन द फील्ड भी जो कोचेस की हेल्प थी ना, मतलब कि स्पेशली जो हमारे अंडर 16 के कोच थे बेटो पोर्टेला, उसके बाद शहजाद सर महमूद, मतलब जितने भी कोचेस थे ना उनकी बहुत ज्यादा हेल्प थी वगैरह। उन्होंने हमें इतना ज्यादा मतलब कि ना इंजॉयबल वो कैंप था ना मेरे लिए कि मतलब कि वो मैं अभी भी याद करता हूँ वगैरह कि इतना विद बॉल वगैरह। और मुझे ट्रेनिंग आज मज़े भी की याद है थी। कि अभी मैं जितने भी कैंप, हाँ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मजा आती थी। जितने भी मैं कैंप देखता हूँ ना, मतलब रीजनल कैंप भी जो लगे होते हैं, हर किसी का फोकस ना मतलब इंडोरेंस पे होता है, मतलब बिल्कुल रनिंग बिल्कुल, आपने बड़ी वगैरह, सही बात रनिंग की है, रनिंग सॉरी टू कट यू ऑफ, इधर। ये मेरी बात हो रही थी कराची यूनाइटेड के जो कोचेज़ हैं ना, करीम कराए और शेख हमदान, उनसे तो हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मसला जी ये है कि आप जिधर भी जाते हो ना, इधर अकेडमी या कोई भी जो ट्रेनिंग करा रहे थे रीजनल वगैरह, ट्रेनिंग को उन्होंने इतना एक बोरिंग और इतना एक ये भागन भागम दौड़ का वो मामला बना दिया है कि प्लेयर यंग यूथ वाले ट्रेन ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमें मैच खिला दो। हालांकि ऑपोजिट होना चाहिए, ट्रेनिंग इतनी अच्छी और मज़े की होनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग ही करना चाहते हैं। ट्रेनिंग अगर प्लेयर नहीं करना चाहेगा तो प्लेयर किस तरह? वही वही ना, मतलब एकेडमीज में जितने भी मतलब कि मैंने देखा है कि मतलब कि एक 16 साल के और मतलब 16 to 17 years old के बॉय को आप क्या काम है इंडोरेंस का। अभी इस एज में मतलब कि इंडोरेंस का इतना काम नहीं है जिसमें आप उसको कहोगे कि हाँ 30 मिनट्स रनिंग करो। मतलब वो बच्चे का तो वैसे ही तंग मतलब दिल आ जाएगा जब उसने बॉल ही नहीं टच किया होगा। तो मतलब कि उस कैंप में मैंने हारा, मैंने हार्डली कोई 10 से 20 मिनट्स भी रनिंग नहीं की होगी, मतलब के वार्म अप से लेके एंड तक विद बॉल, सारा विद बॉल। मतलब इतना एंजॉयमेंट था कि जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था मैं खुश होता था, मतलब दिल से जाता था कि यार अभी आज जाने ट्रेनिंग करनी वगैरह, मतलब कि मजा आता था। और कोचेस का सपोर्ट वगैरह वो बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट था। और सारी टीम मतलब के बहुत बहुत अमेजिंग टीम थी मेरे लिहाज से, मतलब के वो बॉयज माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब तो पता नहीं किधर होंगे क्योंकि आपसे तो वन ये, क्यों आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई बैच मैंने नहीं देखा आज तक कि वो बैच बिल्कुल कुछ ऐसे तक स्टार्ट कंटिन्यूटी हो, नहीं है, मतलब कंटिन्यू आते करते हैं ही और नहीं खत्म है। हो जाते हैं, मसला ही लेकिन सारा वो ये है कि बैच हमारे वहां यूथ पे कंटिन्यूटी फोकस बिल्कुल ही नहीं नहीं है हुआ। कि एक जगह अगर अच्छा क्रॉप और काफ़ी अच्छे क्रॉप्स आए हुए हैं और बैचेस आए हुए हैं, उनको आगे वो लेके नहीं जाया जाता, उन पे डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता और उसमें से काफ़ी सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया होता जाता है, और ये साला साल अरसा दराज से होता आ रहा है। हाँ आपने देखा होगा कि ना जो अब्रॉड में होता है, मतलब बाहर जितने भी क्लब्स होते हैं वगैरह या जितने भी कंट्रीज हैं उनका मतलब के बैच होता है फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स, वो 3 इयर्स उनके पास होते हैं। अंडर 16 का जो बैच होता है वो अंडर 19 खेलता है, और अंडर 19 का होता है वो अंडर 23 के, ऑटोमेटिकली उनका वो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर साल नया बैच बनता है मतलब के नेशनल टीम का, और वो बैच कभी भी कंटिन्यू नहीं होता आगे, इसीलिए मतलब कि हमारी सीनियर टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती वगैरह। उनके पास अगले 10 साल का प्लान होता है, हमारे पास प्लान नहीं होता क्योंकि हमारे हर साल चेंजेस बहुत आती हैं, मतलब कि कभी सजेशन के मसले हो सकते हैं, कभी मतलब पॉलिटिक्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो बैच चलना चाहिए। और एक तो हमारे मतलब कि आपको पता है कि फुटबॉल एक इतनी मतलब फुटबॉल को कंटिन्यू करना एक इतना ईजी नहीं है वगैरह, कि एक जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कि बिल्कुल नेशनल टीम में जितने भी बॉयज आते हैं जरूरी नहीं है कि हर बॉय एक मतलब कि अच्छी फैमिली से होगा बिलोंग करता होगा। तो आधे से ज्यादा मतलब कि हमारे फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती उनकी बेचारों की वगैरह, तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा होते हैं कि वो उनको कंटिन्यू वो मतलब कि अंडर 19 तक कंटिन्यू ही नहीं कर सकते।
वो कोशिश भी करेंगे लेकिन उनको इतने क्राइसिस मार देते हैं कि वो कहते हैं कि बस उनका करियर उधर ही खत्म हो जाता है। बस अंडर 16 के बाद आपने देखा होगा अंडर 19 में हार्डली 23 बॉयज में से वो भी 3 या 4 बॉयज आते हैं जो अंडर 19 खेलते हैं, बाकी वो 19-18 बॉयज गायब होते हैं क्योंकि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कोई किधर काम कर रहा होता है, कोई किधर काम कर रहा होता है, क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए ये मतलब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो 3-4 बॉयज होते हैं वो होते हैं जो अपने मतलब फुटबॉल कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मतलब जो फैमिली से स्ट्रांग होते हैं, जो अपनी डाइट कर सकते हैं, जो अपना जिम वर्क कर सकते हैं, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये चीजें मतलब कि पाकिस्तान में ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक स्पीकिंग ऑफ दिस, अभी मतलब रिसेंटली आपको पता है कि PFF में वो आए हैं, PFF का जो रीसेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर डैनियल लिमोनेस द न्यू टेक्निकल हाँ डायरेक्टर। PFF ने रिसेंटली वो कोचिंग कोर्सेज भी शुरू किए हैं, कोचिंग क्लिनिक्स भी शुरू किए हैं, फुटबॉल एक्टिविटी रीस्टार्ट किया आपके। एंड आई हैड हिम ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, आई टॉक टू हिम फॉर अबाउट एन आवर बैक इन जुलाई या समथिंग। तो उसके अंदर ही मेंशन रिपीटेडली कि यूथ फुटबॉल कॉम्प लाइक यूथ लीग्स या यूथ कॉम्पिटिशन्स और यूथ फुटबॉल के अलावा पाकिस्तान में और कोई चारा नहीं है डेवलपमेंट का। सेइंग दैट, डू यू थिंक के देर इज़ होप जो डैनियल लिमोनस इज़ ट्राइंग टू डू फॉर पाकिस्तान, एंड यू थिंक थिंग्स विल गेट बेटर? हमारे पास मतलब कि ना वी गाइस हैव द टैलेंट, मतलब कि हमारे पास होप भी मतलब बहुत ज्यादा, टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि एट द एज ऑफ 16 वी कैन कम्पीट एनी टीम इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर 16 हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्योंकि मतलब कि उनका लेवल ऑफ फुटबॉल चेंज हो जाता है, उनकी मतलब कि उनकी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है, और हमारी आफ्टर 16 बहुत ज्यादा गैप आने लग जाते हैं, मतलब कि हमारे इवेंट्स में, हमारे कैंप्स में, हमारे जो जो बैच होता है वो मतलब कि बिल्कुल गायब हो जाता है। हमारे वो जो 16 के बाद होते हैं वो बिल्कुल 16 तक तो हम हाँ उनके बराबर है, हम कह सकते हैं कि हाँ हम कोई भी टीम में वर्ल्ड में कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 16 हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं है, हमारा वो जिम वर्क ही नहीं है, हमारे वो कैंप्स ही नहीं है, हमारी वो डाइट ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ये भी कम्पिटिशन नहीं डैनी ने है, बात की थी कि कंपटीशन कॉन्स्टेंटली हमारे होना चाहिए। कंपेटिटिव मैचेस ही नहीं है, मतलब कि ना जो उनकी टीम्स होती है वगैरह वो फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ, कंपेटिटिव मैचेस खेलते हैं। अब और मेरे इवन लोकली, इट्स नॉट जस्ट नेशनल टीम के, लोकल उनके क्लब्स लाइक छोटी लीग्स, उनकी अपनी यूथ लीग्स होती हैं, उसमें कॉन्स्टेंटली खेल रहे होते हैं। जब नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे होते तब वो क्लब्स के लिए खेल रहे क्लब्स होते के हैं। लिए खेल रहे यहाँ पर थे, दोनों चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं होती। अब मुझे देखने के लास्ट कंपेटिटिव मैच मैंने सीरिया के अगेंस्ट खेला था 2019 में सितंबर में, और उसके बाद मैंने चैलेंज कप खेला, तो मैंने मतलब कि आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 साल का गैप था मेरे पास, टाइम ठीक है, जाया है, टाइम टोटल जाया, टाइम जाया ठीक हुआ है। है बीच में। अब ये बाहर है, ये उधर टाइम जाया नहीं होता, वो मतलब कि अपने टैलेंट को मतलब कि बिल्कुल साथ रखते हैं यार, मतलब कि वो कहते हैं कि यार ये लड़के अंडर 16 में, हमें अंडर 19 में इसने मतलब खेलना है, आफ्टर मतलब कि 1-2 साल बाद से अंडर 19 भी खेलना है, सीनियर टीम के लिए भी खेलना है, वो इनको बिल्कुल साथ रखते हैं वगैरह, और हमारा ये कि गैप भी इतना बड़ा होता है ना, चीजें होती है वगैरह, तो वो चीज ही हमारे साथ खराब कर देते हैं। जब तक हम अपने मतलब टैलेंट को वगैरह प्रॉपर चीजें नहीं देंगे, प्रॉपर उनको टाइम नहीं देंगे, कैंप्स नहीं होंगे, प्रॉपर लीग्स नहीं होंगे उनकी, प्रॉपर मतलब फाइनेंशियली उनको नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे वगैरह, यूथ पे मतलब फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी सीनियर टीम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी कोचेस बाहर से फॉरनर्स बुला लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आपका मतलब नहीं होगा ये चीजें, मतलब कि बेसिक्स नहीं होंगे ना नीचे से क्लियर, तो आप कभी भी आप नहीं कम्पीट कर सकते। अब आप इंडिया को देख लें, ग्रास रूट स्ट्रक्चर ग्रास और रूट लेवल कोचिंग बहुत कोचिंग ज्यादा डेवलपमेंट वाला लेवल आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि इवन जो हमारे साथ कंट्री से एशिया में इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन्होंने भी अपना फुटबॉल इम्प्रूव कर लिया, कितना ज्यादा अपनी बहुत अपनी अपनी ज़्यादा। लीग करा रहे हैं। और मेरे लिहाज से जब तक हमारा ये डिपार्टमेंटल सिस्टम होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे लिए खराब है, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर लीग सिस्टम नहीं होगा ना, एज वाइज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 या सीनियर, जब तक आपकी ये लीग सिस्टम नहीं होगा ना, आपका फुटबॉल बहुत मुश्किल है के मतलब ऊपर है, क्योंकि एक 16 साल का बच्चा घर बैठा हुआ है, ना उसका कोई लीग हो रही है, ना कुछ हो रही है, तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लानी है, ना कोई कम्पेटिटिव मैच खेलना। और मतलब कि अब चले कुछ बच्चों ने तो जैसे हमारे जैसे थे कुछ, मतलब जिन्होंने चैलेंज कप खेल लिया, बाकी मतलब हर लड़के ने तो नहीं मतलब चैलेंज कप खेला, या हर लड़के ने तो नहीं, वो तो जाया ही हो रहा है घर बैठ के, तो मतलब ये चीज मतलब काफी ज्यादा मतलब के देखनी पड़ेगी आगे फ्यूचर के लिए। अगर आपको फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, फ्यूचर के लिए आपको लगता है कि वो कम्पीट करे वर्ल्ड के साथ, तो आपको ये
ग्रासरूट लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा। क्योंकि डैनी ने यही बात की थी लाइक वो लाइक इन ऑन द पॉडकास्ट ही सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग्स जो आप कह रहे हो कि जब तक हम इसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे, एक अपनी यूथ सेटअप का और दूसरा अपने जो लीग है लीग सिस्टम का, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड होने चाहिए, पूरी दुनिया में लिंक्ड होते हैं। बच्चे अंडर 12, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 ये खेलते हुए ऊपर आते हैं कम्पिटिटिव, फिर क्लब सिस्टम ऐसा होता है, लीग सिस्टम ऐसा होता है कि वो उस तरह ट्रांजिशन करते हैं। क्लब्स अगर उनको पहले बुलाना चाहें, बहुत टैलेंटेड हैं, तो वो पहले उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपसे मैंने आपकी गेम देखी, मुझे काफ़ी पसंद है आपकी गेम ड्यूरिंग द चैलेंज कप, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आपके डिफेंसिव मिडफील्ड वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है, आपका फुटबॉलिंग इन्फ्लुएंस कौन था, मतलब कोई कौन है, कौन था जिसके ऊपर आप अपनी गेम जो है वो बेस करते हैं? मतलब काफी ज्यादा प्लेयर्स है मतलब कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ अभी भी, मतलब कि जो अभी करंट मतलब कि खेल रहे हैं, मतलब कि मतलब स्टैंडर्ड डीएम एज अ पोजीशन, मतलब कैजिमीरो हो गया रियल मैड्रिड का, मतलब उसको मैं काफी ज्यादा मतलब फॉलो करता हूँ। बुस्केट्स हो गया बार्सिलोना का, इसको मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ। जैसे मैस्चेरानो जो पहले था अर्जेंटीना का वगैरह, मतलब ये स्टेडियम वगैरह खेल चुके हैं वगैरह, और मतलब ये आपने देखा होगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते कि बहुत ज्यादा स्किल वाइज वगैरह, मतलब ये मतलब जैसे कैसेमिरो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सिंपल। डिफेंसिव मिडफील्ड एक हाँ हाँ अंडररेटेड पोजीशन है, उस हाँ पे लोगों को समझ नहीं आती। हाँ मतलब स्किल वाइज वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते मतलब उस पोजीशन में, लेकिन सबसे मतलब कि जो कहा जाता है ना सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि आपने डिफेंस को भी सपोर्ट देना होता है और आपने अटैक में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसके लिए मतलब कि कैजिमीरो हो गया वगैरह, जो मतलब कि आप देख रहे हैं आज के उसमें कि सबसे ज्यादा अभी स्टैंडर्ड डीएम में कैजिमीरो सबसे ऊपर है, मतलब कि जो जिसकी मतलब तो कि आप इनकी फिजिक। क्लिप्स रेगुलरली देखते हैं, आप इन हाँ इनकी वीडियो गेम क्लिप्स स्टडी करते वगैरह, हैं? आप हर बिफोर मैच ना हमें मतलब कि कोचेस वगैरह स्पेशल बताते हैं कि हर पोजीशन का मतलब कि जिस चीज की जो पोजीशन है उसको वो प्लेयर वो देखे, वीडियो क्लिप्स देखे, क्योंकि आपकी जब तक विजुअल मतलब कि आपका माइंड क्लियर होगा ना तो आप वो मैच में इम्प्लीमेंट कर सकते हो वगैरह। अगर आपका मेंटेलिटी या माइंड ही नहीं चेंज होता है वगैरह, या माइंड ही नहीं आपका उस साइड पे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप मतलब कि ना मैच एक अच्छा मैच खेलने के लिए आपको एक दिन दो दिन पहले फोकस होना पड़ता है, विजुअल मतलब मैच की वीडियोस देखनी पड़ती है, मतलब हर पोजीशन हर बंदे को अपनी पोजीशन का बंदा देखना पड़ता है वगैरह, उसकी क्लिप देखनी पड़ती है, फिर वो अडॉप्ट करनी पड़ती है, और फिर वो मतलब मतलब सोचना पड़ता है कि यार हाँ इस पर मैंने भी मैच में करना है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सही। तो जस्ट वन बिग क्वेश्चन फॉर यू पर्सनली, उसके बाद पोपो की बात करते हैं। आपने काफ़ी अच्छे तरह एलैबोरेट किया कि आप का भी जर्नी किस तरह की गुजरी है, आपकी पोजिशनल जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह हैं, आपने आगे जो करना है। द क्वेश्चन दैट एवरी वन प्रॉबली वॉन्ट्स टू नो इज़ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ताहा इन हिज़ फुटबॉल करियर? मेरा मतलब कि फ्यूचर में ये एम है कि एक तो अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है, मतलब कि प्रॉपर प्रोफेशनल करियर मेरा, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट अभी डिपार्टमेंट का मतलब कि हाँ मेरे पास, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट ही एक चॉइस है, जो मतलब फ्यूचर में अगर मैंने प्रीमियर लीग खेलनी है तो मेरे पास डिपार्टमेंट ही चॉइस है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई है नहीं अगर बाहर। लेकिन अगर मैंने जो मेरा मेन एम है वो मेरा है कि एक तो अपने पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल में देखना, अपने पाकिस्तान मतलब लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को एक तो सर्व कर सकूँ, पाकिस्तान की तरफ से लॉन्ग टर्म खेल सकूँ, और एक ये कि अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है बाहर, मतलब जो प्रोफेशनल एक फुटबॉलर का करियर होता है, मतलब ये नहीं कि आप डिपार्टमेंट रह रहे एज ऑफ 19-20 चले जाओ और आप उधर परमानेंट हो जाओ, और जिंदगी भर आप मतलब 30-40 थाउजेंड में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है आपकी, मतलब ये जो मैंने बॉयज वगैरह देखे जो मैंने डिपार्टमेंट में देखे, क्या आप एट द एज ऑफ 20-21 चले जाते हो, मतलब मैंने कुछ देखे देखे लड़के वगैरह परमानेंट हो जाते हैं उधर, और मतलब कोई है ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, वो 30-40 थाउजेंड में जो है वो खुश है वगैरह, क्योंकि एक तो हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होते हैं मतलब कि हर मतलब के लड़के को होते होंगे वगैरह, लेकिन लेकिन मेरा करियर कोई ग्रोथ भी कोई नहीं होती, फाइनेंशियल के डेवलप अलावा करियर ग्रोथ भी हाँ कोई नहीं। करियर ग्रोथ भी नहीं है, कुछ आपने देखा नहीं ना इंटरनेशनली आपने कुछ देखा है, ना आपकी कोई डेवलपमेंट हुई है ना कुछ हुई है, लेकिन मेरा ये है कि मैंने मतलब डिफरेंट होना है, कि मुझे जो जहां तक तो मेरे कोचेज ने कहा है मेरा माइंड सेट ये है कि एक प्रोफेशनल करियर बनाना है, जो एक प्रोफेशनल लीग खेले बाय, जो क्योंकि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि बाहर इसी तरह होता है वगैरह कि वो अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, और हमारे आधे साथ यूँ होता है कि बॉयज वगैरह एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते वगैरह, उनको बिलीव ही नहीं होता अपने आप के हम बाहर खेल सकते हैं। मैंने बाहर देखा है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आप जाओ आप आराम से हो सकते हो, आप प्रोफेशनल लीग खेल सकते हो, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को सर्व कर सकते हो। अगर पाकिस्तान को जरूरत है तो क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान का भी नाम हो, जैसे हमारे इधर क्रिकेट का है, मतलब कि पाकिस्तान में हर जगह इंशाल्लाह हमसे मतलब हर कोई पूछते वगैरह, हम किसी को बताते हैं कि ना, मतलब कि जैसे मैं बताता हूँ किसी को कि हमें नेशनल फुटबॉल प्लेयर ना, तो हर कोई आगे से बोलता है आप क्रिकेट में नहीं गए, मतलब ये वाला माइंडसेट क्यों है किसी का कि आप क्रिकेट में क्यों नहीं गए, मतलब आप फुटबॉल को, मैं चाहता क्रिकेट हूँ के कि अलावा क्रिकेट भी स्पोर्ट्स हैं के पाकिस्तान में, अलावा भी स्पेशली स्पोर्ट्स है फुटबॉल। वगैरह, कि मतलब कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो, कि हम फुटबॉल में मतलब कि एक ऐसे कलीमुल्ला है जैसे वो बाहर निकले, तो मतलब काफी ज्यादा माइंडसेट उसने चेंज किया लोगों का, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं बाहर निकलूँ वगैरह, माइंडसेट लोगों का चेंज करूँ, फुटबॉल फुटबॉलर्स का माइंडसेट चेंज करूँ, जो यंगस्टर ऊपर आ रहे हो, क्योंकि बेसिकली आप यंगस्टर चाहते हैं कि आप उनके लिए एक पाथवे बनाएं कि वो आपको देख के कह सकते हैं कि जिसने इसने जिस तरह किया उस तरह हम भी कर सकते हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल वगैरह, क्योंकि सही आपका जो सही अपकमिंग भाई टैलेंट है वो या बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है आपका, अपकमिंग उनका माइंडसेट, उनकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत बड़ी होप है हमारे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी कि यार हमारा फ्यूचर मतलब कि अच्छा है, सेफ हैंड्स में, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है वगैरह, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि प्रोफेशनल करियर बिल्ड करूँ अपना। सही, बेहतरीन, दैट्स रियली ग्रेट टू हेयर। अच्छा, पोपो एफसी की अगर बात करते हैं, आपने बताया कि आपने उनकी यूथ एकेडमी ज्वाइन की बैक अ फ्यू इयर्स अगो। तो पोपो एफसी एक बहुत मशहूर एकेडमी है इस्लामाबाद में। इसकी अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो पोपो एफसी में टीम आई थी चैलेंज कप पे, अभी जो पोपो एफसी की रिसेंट टीम थी, ये सारे एकेडमी ग्रेजुएट्स थे आपके जो साथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं? मेजोरिटी अकेडमी ग्रेजुएट थे, मतलब जो मेजोरिटी थे जिनके साथ मतलब कि मैंने बचपन गुजारा है, मतलब हार्डली मेरा ख्याल है कि 3 to 4 बॉयज होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन की होगी, मतलब 3 to 4 months हो गए होंगे उनके, जो मेजोरिटी थे मतलब जिनके साथ मतलब मैंने बचपन से मतलब कि स्टार्ट किया, ये मतलब वही प्लेयर्स वगैरह, मतलब कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर हारिस भाई जो पूरे के ओनर है ना, उन्होंने मतलब कि ये आप अचानक नहीं कह सकते कि ये अचानक बॉयज आए इस्लामाबाद से और मतलब कि एकदम से चैलेंज कप खेल लिया और ये वगैरह, इसके पीछे उनकी बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत थी, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा काम किया, मतलब 3 4 साल से वो यूथ पे काम, वो काम ही यूथ पे कहते हैं, उनको यूथ पे काम करने को, वो 3 4 साल से हम पे काम कर रहे थे, स्पेशली फिर जो आके हमें सर शहजाद ने चेंज किया हमारा स्टाइल ऑफ प्ले, वो कल मतलब अभी हम, भी आपके साथ है? हाँ सर शहजाद अभी भी हमारे साथ है, उन्होंने हमें जो टेक्निकली अवेयरनेस दी कि हाउ मतलब कि किस तरह खेलना है आपने, एक बड़ा मैच किस तरह खेलना है, ठीक है टेक्निकली साउंड तो हर कोई होता है सही है, लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन मैच एक खेलना, अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस आना, हर चीज वो टोटली मतलब कि सर शहजाद ने हमें बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया, और मैं मतलब कि बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का बेस्ट कोच मिला हुआ, क्योंकि कोच का एक प्लेयर के मतलब बिल्डअप में या उसके प्रोफेशनल के लिए में बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वो, तो मैं मतलब कि बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब हमारे हर बॉय बहुत ज्यादा हैप्पी है कि यार शुक्र है कि हमारे पास बहुत अच्छे कोचेज हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन पाकिस्तान, तो ये बहुत बड़ी बात है। सही सही सही। तो आप लोग क्या रोज ट्रेनिंग करते हैं? लाइक जस्ट हाँ हमारे जिन लोगों को नहीं हमारी पता, आप लोग लोग कब से वीक डेज में रोज स्कूल के बाद किस क्या आप लोगों की रूटीन होती थी या होती है? हमारी मतलब के जो ट्रेनिंग होती है ना वो रेगुलर होती है, मतलब के ना जो सर शहजाद वगैरह से आए वो तो मतलब के होता है वीक में 3 या 4 डेज वो आते हैं वगैरह, और मतलब लेकिन जो हमारा हर लड़का ग्राउंड आता है स्पेशली वो मतलब के हमारी ट्रेनिंग जो होती है ना पूरे से वो रोजाना होती है, तो वो अपने आके मतलब रोज आफ्टर स्कूल वगैरह, हाँ आफ्टर स्कूल आके अपनी मतलब के जो प्रॉपर एक सेशन होता है ट्रेनिंग सेशन 1.5 आवर का होता है, वो अपना सेशन कह रहे हो वो, फिर उसके बाद मतलब कि जा सकते वगैरह, तो मतलब ये कि बहुत ट्रेनिंग डेडिकेशन हमारा, वाली बात है। लोगों को ये बात लोगों को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि एज अ 16 17 ईयर ओल्ड ये आम बात नहीं है, और ये काफ़ी जो आपके एथलीट्स होते हैं उनकी सैक्रिफाइसेस इवन एट यूथ लेवल वो माननी चाहिए और उनको तस्लीम करना चाहिए कि आपके आम 16 17 ईयर ओल्ड के लिए ये डेडिकेशन, ये मच्योरिटी, ये डिसिप्लिन दिखाना कि हाँ वो रोज़ जाके इस तरह अपने स्किल पे काम करे, इस तरह डेडिकेट होके एक चीज़ रूटीन फॉलो करे,
आई थिंक इट्स अमेजिंग, और ये आम बात नहीं है, क्योंकि यूजली इस एज में होता है कि यार दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, रात को लेट निकल गए, ये कर लिया वो कर लिया, उससे हट के इट्स इवन मोर स्पेशल कि अगर आपके साथ बाकी, क्योंकि योर एक्स दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कि ये, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वो चीज़ करते हैं, वॉट यू आर डूइंग दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड अनयूजल, तो इट्स इवन हार्डर कि आपके जो मेजॉरिटी दोस्त हैं या लोग हैं वो एक चीज़ कर रहे हैं, तो आपको भी दिल चाहता है यार मैंने फिर एक हैंग आउट मिस कर दिया, मैंने कर दिया, लेकिन नहीं मेरी ट्रेनिंग है, मैंने उधर जाना है, मैंने ये बनना है, तो आई थिंक पीपल नीड टू ये रियलाइज कि ये बहुत डेडिकेशन, एक डेडिकेशन, हाँ ये बिल्कुल मैं आपकी बात मतलब कह कहना चाहिए, डेडिकेशन और मोटिवेशन मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि ना, क्योंकि एक फुटबॉलर की लाइफ मतलब एक फुटबॉलर बनना इजी नहीं है, मतलब लोगों को जैसा लगता है ना कि बहुत हाँ एक मुश्किल है, फुटबॉलर बन गया बहुत वगैरह, ये मुश्किल है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब कहना बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है स्पेशली, और ये एज भी ऐसी कि आपकी लर्निंग ही है, डेवलपमेंट की एज, अगर ये टाइम आपने लोग तो जाया फिर कर दिया देखते हैं ना 25-26 साल पे, जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर उनको नज़र आता है तो फिर वो कहते हैं यार ये कितना कमाल प्लेयर, उनको ये नहीं पता कि ये इसके 12-13 साल से पीछे लगा हुआ है रोज़। यही बात मैं कह रहा था, इसके पीछे वो मतलब कि बिहाइंड द सीन उनको नहीं पता होता, वो तो बस कहते हैं कि हाँ ये आया है अभी काफी अच्छा खेल, लेकिन इसके पीछे वगैरह मैंने अभी जितने भी बिग नेम्स वगैरह मतलब कि आज तक आजकल मैं देख रहा हूँ मतलब चैलेंज कर, मैं काफी ज्यादा स्कोर वगैरह करने वगैरह सदाम हुसैन वगैरह सब वगैरह, तो मतलब कि सबको ऐसे लगता है कि हाँ मतलब ये बिग नेम है वगैरह, इन्होंने मतलब उन्होंने भी मेहनत की होगी बिहाइंड द सीन, हमें नहीं पता कि बहुत उन्होंने ज़्यादा कितनी मेहनत वगैरह क्या क्या किया होगा, तो इसी तरह हर प्लेयर के वगैरह, और ये एज ऐसी, बस मैं यही कहूंगा कि ये एज ऐसी है कि इसमें आपको बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा इधर उधर हुए तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यही एज है आपकी लर्निंग की, जितना आपने सीख है ये 1-2 साल में सीख लोगे, उसके बाद फिर आपकी वही मतलब कि रह जाएगा जिसको आप मेंटेन, फिर सबसे बड़ी बात ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, हमारे सबसे ज्यादा ये है कि जितने भी बॉयज वगैरह आते हैं वो एक लेवल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसको मेंटेन मतलब रखते नहीं है वगैरह, मतलब मेंटेन रखना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई थिंक, तो वो ज्यादा है कि मतलब मेंटेन रखना कितना फोकस जो आप वगैरह, और आपका माइंड सेट और मेंटेलिटी, मेंटेलिटी आपकी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी होनी चाहिए मेरे लिहाज से, आपकी ये 30-40 thousand वाली मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए, जब तक आपको अपनी वर्थ का नहीं पता तो आप मतलब मेरे लिहाज से कुछ भी नहीं हो, और हमारे मतलब बॉयज वगैरह होते हैं वो टाइम से ज्यादा जल्दी चीजें मांगते हैं वगैरह, क्योंकि एज ऐसी होती है वो कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी चीजें मिले, लेकिन मेरे लिहाज से उनको थोड़ा वेट वेट करके करना चाहिए, मतलब वेट थोड़ा करना चाहिए फिर मतलब क्योंकि मतलब चीजें तो क्योंकि मिलेंगी वगैरह, अगर आपने मतलब मेहनत की है, अगर आपने वर्क हार्ड किया है तो आपको जाहिर सी बात है आपको उसका मतलब कि मिलेगा रिजल्ट, वेरी वेरी मच्योर थिंग्स आप जो बात करें, वेरी मच्योर थिंग्स टू से, यू आर क्वाइट वेल प्लेस्ड टू से दिस थिंग्स, एंड आई थिंक यू आर क्वाइट वेल प्लेस्ड टू बी अ लीड लाइक अ कैप्टन एंड अ लीडर एट अ क्लब, जजिंग बाय द वे दैट यू थिंक, तो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर हम पोपो एफ सी के प्लेइंग स्टाइल की बात करें, लोग काफ़ी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज हुए थे जब उन्होंने पोपो एफ सी के चैलेंज कप में देखा था। सो कोई लाइक यू सेड के शहजाद अकबर हैं और कोचेज़ हैं, आप लोग क्या एक सर्टन स्पेसिफिक स्टाइल पे फोकस करते हैं, ब्रेवरी विद द बॉल, टैलेंट के साथ एक्सपेंसिव फुटबॉल, आप लोगों का ट्रेनिंग में इस पे फोकस होता है? हाँ हमारा मतलब के प्रॉपर मतलब के इस स्टाइल ऑफ प्ले को अडॉप्ट करने के लिए प्रॉपर सेशन होता है वगैरह, कि यार हमने बिल्डअप किस तरह करना है, हमने मतलब विंग प्ले कैसे करना है, हमने डीप पासेस कैसे खेलना है, मतलब ये स्पेशल, और मतलब के मैंने मतलब के जहाँ तक चैलेंज कप में फुटबॉल देखे हैं वगैरह, मैंने खुद मैचेस मतलब देखे हैं वगैरह मतलब डिपार्टमेंट टीम के, तो उनका ज्यादातर ये होता था कि बिल्डअप वगैरह बिल्कुल मतलब के नहीं नहीं होता था, होता, मतलब फुल बैक को कि बॉल गई और आगे हाँ वो मतलब फर्स्ट हेड बॉल लिफ्ट लॉन्ग बॉल कराया सेकंड बॉल। वगैरह, तो बिल्डअप तो हमारे कोच तो सबसे मेन थिंग थे, वो कहते हैं कि अगर आप जीत रहे हो जो मर्जी हो, मतलब जितनी ज्यादा, अगर आपने खुद देखा होगा केरल की कितनी ज्यादा प्रेसिंग है, जो केरल वाला मैच आपने देखा होगा, इवन के हम वो मैच बहुत बुरा हारे लेकिन हमने अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं किया, जो हमारा स्टाइल ऑफ बिल्कुल प्ले अगर हमसे गलती हो रही है मिस्टेक हो रही है ठीक है, लेकिन हमने अपना स्टाइल ऑफ प्ले नहीं चेंज किया, बिलीव अगर इन द हमारा प्रोसेस। हाँ हमें अगर कहा है कि बिल्डअप करना है, अगर विंग प्ले करना है, डीप पासेस खेलने, तो मतलब हमने करना है, लेकिन हमारे जहां तक मेरे चैलेंज कप में मतलब कि देखे ना टीम्स को वगैरह, कि मेरे लिहाज से विनिंग और लूजिंग डजंट मैटर, अगर जैसे केरल जैसी स्ट्रांग टीम थी, मैं मानता हूँ कि बहुत बैड रिजल्ट है हमारे, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो मैंने उनके साथ मतलब बाकी टीम्स को देखे है ना, बिल्डअप नहीं है,
कोई मतलब कि कोशिश ही नहीं है अटैक की वगैरह, इवन के यार थोड़ा तो मतलब ट्राई तो होता है ना वगैरह, मतलब कि उस स्टाइल ऑफ प्ले वगैरह वो नहीं है, नो चीज है वो, मतलब काफी डिसअप। अब मैंने एक मैच देखा था केरल का जो अफगान के साथ हो रहा था, अफगान अफगान उस टाइम मैच मतलब के हार रही थी 1-0 केरल से लास्ट मैच चल रहे थे, लेकिन अफगान का बिल्कुल ही मतलब कि सिंगल 1% भी ट्राई नहीं किया कि हम उनका अटैक कर सकते, वही हेड मिस करा रहा है या डिफेंस वाइज, ये तो इजी मतलब इजी जॉब थी ये तो, केरल के खिलाफ मतलब के 10 के 10 गोल में खड़े कर दो तो इजी जॉब है कि आप मतलब के बिल्कुल भी मतलब के सेव कर लोगे अपने आप को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब कि स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा आई जितना भी थिंक जो आप आगे। बातें कर रहे हो ना, आई जो आप बातें कर रहे हो ना, ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं बिटवीन पोपो एंड कराची यूनाइटेड. एंड द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज कराची यूनाइटेड के कोचेज़ और कराची यूनाइटेड की टीम भी सिमिलर पाथ और उससे वो सिस्टम में बिलीव करती है. आपने अगर वापडा वाला मैच देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, वापडा वाले मैच में कराची यूनाइटेड वर लूजिंग 2 या 3 nil, बट स्टिल बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, प्ले आउट फ्रॉम द बैक. वापडा फुल हाई प्रेस खेल रही थी, बट कराची यूनाइटेड ने फिर भी लॉन्ग बॉल और वो ट्राई टैक्टिक्स नहीं ट्राई की, खेलते रहे खेलते रहे. और कोचेज़ के एंड में जब उनसे इंटरव्यू वगैरह लिया गया, तो उन्होंने जो सबसे बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि यार ठीक है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बट जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी है इधर वो ये थी कि वी नेवर स्टॉप बिलीविंग इन आर प्रोसेस, इवन एट 3-0 डाउन. जो हम करना चाहते थे वो हम कर रहे हैं. अब आगे नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको बेहतर किस तरह करना है. बट लाइक यू सेड, अगर एक चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो इतने सालों से, इतनी देर से, उसको ही अगर आपने 3-0 पे छोड़ दिया, तो फ़ायदा वो करने का छोड़ पहले दिन ही छोड़ दो. लर्निंग प्रोसेस नहीं है ना उनमें, मतलब कि जब हम आफ्टर केरल मतलब कि मैच हम हारे थे वगैरह, मैं बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड था उस टाइम टीम से वगैरह, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं चाहता था कि हम बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट में केरल इज द मोस्ट टफेस्ट टीम ना, लेकिन केरल, और मुझे था कि हम हर टीम से कम्पीट कर सकते हैं वगैरह, और मुझे था कि मतलब मैं एज अ कैप्टन और लीडर चाहता था कि मेरी टीम आगे जाए, बहुत ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था वगैरह। लेकिन जब बाद में मैंने टीम के मैचेस देखे वगैरह तो मतलब के, और जहां तक मुझे कोचेस ने बोला, मुझे कोच ने खुद बोला है कि आके के हार जीत मैटर नहीं करता, तुम लोग जो फुटबॉल खेले हो वो हमारे लिए मैटर करता है वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये क्या क्या, हम 9-0 रिजल्ट ना होता ना तो ये हमारी आगे डेवलपमेंट ना होती, एक ये लर्निंग प्रोसेस थी, क्योंकि 9-0 हारे एग्जैक्टली तो यार मैंने आगे और क्या मेहनत करनी है कि 9-0 ना हो नेक्स्ट टाइम वगैरह, मतलब कि अगर यही 1-0 तो ड्रॉ होता तो मैं क्या कहता कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी केरल, उसके साथ हमने ड्रॉ खेले, ये पाकिस्तान का लेवल है, मेरी कोई लर्निंग प्रोसेस ना होती ना डेवलपमेंट होती, तो ये एक एज अ आप गुड ओवर साइन है। कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते मेरे लिहाज से, मतलब बॉयज भी हो जाते सब हो जाते, तो मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छा साइन है कि हमने केरल के साथ अगर हम हारे हैं तो ये बहुत, हम केपीटी से ड्रॉ भी किया जो सेमीफाइनल्स के लिए, तो वो मतलब कि अच्छा साइन है वगैरह, एक मेरे लिहाज से अच्छा वो साइन है कि हम मैच मैं ऊपर स्टैंड्स में देख रहा था, ग्रेट. वो उस लाइक मैं और तू दो तीन कोचेस मैच देख रहे थे, हम बहुत खुश हो रहे थे बिकॉज़ आप लोग वही जिस तरह अपना डीप पासेस विंग प्ले कर रहे थे, आपका जो प्लेयर है इर्तज़ा वो उनके फुल बैक को आइसोलेट कर रहा था, और आप लोग वो कॉम्बिनेशन प्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग था खेलने, क्योंकि हम भी पूरा देर क्योंकि मैं लाहौर का हूँ, चैलेंज का पूरा मैं एक्साइटेड हूँ. मैं आता था लॉन्ग बॉल सेकंड बॉल, लॉन्ग बॉल सेकंड बॉल, मैं कहता था यार कुछ तो थोड़ा. एंड दैट वाज रिफ्रेशिंग टू सी पोपो. और फिर मैंने आपको रीच आउट किया, मैंने आपको कहा कि पहले तो आपसे बात हुई, आपसे लाइक सारा बताया कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर स्टाइल ऑफ प्ले. फिर जैसे कि आपने कहा केआरएल से जब आप हारे, तो मैंने आपको यही बात की थी जो आप खुद कर रहे हो, और आई नो यू वुड रियलाइज दिस उसी वक्त कि जो आप लोगों की एज है और जो आप लोग जिस तरह इस टूर्नामेंट में आए थे, एवरी थिंग वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एवरी थिंग वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड इफ एनी थिंग, अगर ड्रॉ या कुछ करते तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस शायद थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि वो होता था। कंप्लेसेंसी और वो आ जाती. तो चैलेंज कप की अगर मैं बात आपसे कंटिन्यू करूं, आप लोगों की 17.5 ईयर्स एवरेज एज, सच ए यंग टीम, और आप लोग खेल इस तरह रहे थे जैसे मतलब कि यू जैसे आके आपने कहा कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, पूरा एक एक मैन टू मैन प्रॉपर खेल रहे थे आप लोग, किसी से डर नहीं रहे थे. इतनी यंग टीम होने के क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स वगैरह आपको क्या महसूस हुई इस टूर्नामेंट में इतनी यंग टीम के साथ खेलते हुए? मेरे लिहाज से वीकनेस थी लैक ऑफ एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी लेवल, मतलब कि जितना मतलब एक्सपीरियंस होगा वगैरह, मतलब जितना आप मैचेस वगैरह, मतलब वही बात है कि एज एज
बहुत मतलब फैक्टर तो होती है, जाहिर सी बात है आप मतलब अच्छे हो गए टेक्निकली, लेकिन एज एक फैक्टर होती है कि आप फिजिक स्ट्रेंथ में वीक हो गए, जाहिर सी बात है एक 25 ईयर ओल्ड का और एक 17 के बहुत बड़ा फर्क होता है, मतलब स्ट्रेंथ का मसला होता ही होता है। और दूसरी बात ये कि मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आपने केपीटी वाला मैच देखा होगा कि मतलब हर चीज करके फाइनल जाके जब टच पे आता था या फिनिशिंग में आता था तो मिस हो जाता, मतलब कि मैं खुद बिलीव नहीं करता कि ऐसे ऐसे चांसेस मिस होंगे। तो वही चीज आती है कि लैक ऑफ मतलब एक्सपीरियंस की वजह से, कि अभी मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं है, जितना भी ये मतलब ये टीम साथ खेलेगी जितना होगा मतलब उतना मेच्योरिटी लेवल बढ़ता रहेगा इस टीम का वगैरह, तो इतनी बड़ी बात नहीं है वगैरह, मतलब चांसेस मिस होते हैं हर चीज के साथ होती है, लेकिन मतलब यही बात है कि जितना ये साथ खेलेंगी ये टीम जितना साथ रहेगी वगैरह उतना इनको एक्सपीरियंस आता रहेगा, और इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर सम टाइम ये टीम बहुत अच्छा रिजल्ट देगी मेरे लिहाज से, अगर ये टीम साथ में। तो इसी बात को अगर आगे लेके चलें तो मैं आपसे आखिरी ये सवाल करना चाहूँगा कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पोपो एफसी। हम इनको आगे देखेंगे इंशाल्लाह ऑन द नेशनल स्टेज सून। इंशाल्लाह अगर मतलब के चांस वगैरह मिला पोपो एफसी को वगैरह, अगर मतलब के दोबारा चांस मिला तो इंशाल्लाह पोपो एफसी मतलब के एक मच बेटर टीम से आएगी, काफी ज्यादा मतलब तैयारी से, काफी ज्यादा ट्रेनिंग से वगैरह हर चीज करके मतलब के इंशाल्लाह मतलब अपने फैंस को मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मतलब क्योंकि मुझे खुद फील हुआ है कि हम काफी ज्यादा बेटर कर सकते थे, काफी लोग हमसे डिसअपॉइंट हुए। डिसअपॉइंट किस आपने किसी को नहीं किया, डिसअपॉइंट आपने किसी को किया, इफ एनीथिंग आपने फैंस बनाए हैं। एवरीवन जो फुटबॉल के फैन हैं उन्होंने देख के कहा है कि यार दिस इज़ हाउ यंग, दिस इज़ हाउ फुट बेसिकली आपकी टीम थी। एवरीथिंग दैट फुटबॉल इज़ अबाउट, इट्स अबाउट एनर्जी, इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट डिज़ायर, इट्स अबाउट ब्रेवरी एंड यूथ। ये सारी ये पाँच चीज़ें आपकी पूरी टीम जो है ना, एक वो एसेंस थी इन चीज़ों की। और आप लोग आए हो और आप लोग एक ये फ़ायदा था, और दूसरा एक चीज़ दैट वेंट विद इन योर फेवर वॉज कि आप एक ऐसे प्लेट एक ऐसे सिस्टम में आए थे जिधर इस चीज़ की पूरी तरह से कमी है, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं इसके हिसाब से, वही डिपार्टमेंट्स वही चीज़ें खेली जा रही हैं हर हर वक्त। तो आप लोग एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो और आप लोगों ने सारे फैंस बनाए हैं, एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों की गेम देख के, आपकी गेम बहुत देख के, आपसे बात करके। लाइक आई न्यू यू वर वेरी मच्योर एंड वेरी टैलेंटेड ऑन द पिच, बट नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू मुझे ये भी पता चला है कि यू आर एक्सट्रीमली मच्योर एंड सेंसिबल एंड डेडिकेटेड ऑफ द पिच एज वेल एज अ पर्सन एंड एज अ पर्सनैलिटी। और अब मुझे समझ आइए कि आपको शुक्रिया। उन्होंने कैप्टन क्यों रखा है, तो दैट दैट मेक सेंस नाउ। बट गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, तहा थैंक यू सो मच मैं फॉर एक ज्वाइनिंग एंड लास्ट कमिंग टाइम ऑन द कहना शो। चाहूंगा वगैरह कि आई या रियली या वांट श्योर टू श्योर थैंक कि आप लोग का जो थ्रू आउट हमारे साथ सपोर्ट था, सपोर्ट सिस्टम मतलब कि आप लोग का मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि शुक्रिया आप लोग का, मतलब शुरू से आपका आप लोग का सपोर्ट सिस्टम इस क्लब के साथ, इस टीम के साथ, स्पेशली हर प्लेयर के साथ, तो आई रियली वांट टू थैंक टू ऑल द गाइज एंड मतलब आप लोग का बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट सिस्टम था हमारे साथ वगैरह, मतलब काफी ज्यादा मतलब कि आपका शुक्रिया। नो वरीज मैन, आई थिंक कि इस तरह जिस तरह आपने बताया, इंशाल्लाह जो आपके प्लान्स हैं पर्सनली और जो पोपो एफसी के हैं, देर बिग प्लान्स, आई होप के वो प्लान्स मटीरियलाइज हों, वो आप अचीव इंशाल्लाह कर सको। हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं, एज लॉन्ग एज यू कीप स्टिकिंग टू दीज प्रिंसिपल्स एंड कीप प्लेइंग विद पैशन, हम सब का सपोर्ट आपके साथ है। एवरी वन लिसनिंग, थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। इट इज़ बिन मोहम्मद ताहा, द कैप्टन ऑफ पोपो एफ सी इस्लामाबाद एंड आर फ्यूचर पाकिस्तानी स्टार। थैंक यू सो मच ताहा, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक इट ईजी।